हाउ आर यू, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश मैरीगोल्ड का लेसन नंबर 10 है, उसके बारे में आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके सो चलो लेट्स स्टार्ट। सो ये वाली इंग्लिश मैरीगोल्ड की जो वर्कबुक है, इसमें आज हम लोग लेसन नंबर 10, उसमें फर्स्ट पोएम है स्ट्रेंज टॉक। ओके सो इसकी आज हम लोग वर्कबुक की एक्सरसाइज करेंगे। ओके सो चलो लेट्स स्टार्ट। यूनिट नंबर 10 स्ट्रेंज टॉक। ओके इसमें फर्स्ट है आर दिस सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें फर्स्ट में स्टेटमेंट देना है ये ट्रू है या फॉल्स है। इसमें फर्स्ट है अ लिटल ग्रीन फ्रॉग सेड क्वाक क्वाक। लिटल ग्रीन फ्रॉग था जो वो क्वाक क्वाक कहता है। ये वाली पोएम थी। इसमें मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि फ्रॉग का आवाज था वो था क्रॉक क्रॉक, डक का आवाज था वो क्वाक क्वाक था, पिक का आवाज था वो वी था, एंड 3 पपीज थे उनको रो बनाना पसंद था वो ल, और उनकी आवाज थी वाव वाव। ओके सो इस वाले पोएम के ट्रू फॉल्स में देखते हैं। अ लिटल ग्रीन फ्रॉग सेड क्वाक क्वाक। नो तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स बिकॉज इस फ्रॉग की आवाज थी क्रॉक क्रॉक। ओके देन सेकंड है अ लिटिल पिग लव टू मेक अ रो। सो उसको पिग को क्या रो बनाना पसंद था, तो नहीं, वो स्टेटमेंट भी आएगा फॉल्स बिकॉज की पिग को रो बनाना पसंद नहीं था, 3 पपीज जो दिए हुए थे उनको रो बनाना पसंद था। देन थर्ड है वो है अ डक ओनली सेड क्रॉक क्रॉक। सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स आएगा बिकॉज डक की आवाज है वो है क्वाक क्वाक एंड फ्रॉग की आवाज थी वो थी क्रॉक क्रॉक। सो ये सेंटेंस आएगा फॉल्स। देन फोर्थ वाला है वो है अ पिग क्राइड अलाउड वी। तो ये सही है बिकॉज पिग जोर से चिल्लाता है, रोता है और बोलता है वी। सो ये स्टेटमेंट है ट्रू। ओके फर्स्ट में आएगा फॉल्स, सेकंड में आएगा फॉल्स, थर्ड में आएगा फॉल्स एंड फोर्थ में आएगा ट्रू। ओके सो आप लिखते जाना। देन है टिक द करेक्ट आंसर यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। फर्स्ट है वो लिव्ड अंडर अ लॉक। लॉक के नीचे कौन रहता है, तो उसमें आता है फ्रॉग FROG फ्रॉग। फर्स्ट में आएगा ए। सेकंड में है वो लिव्ड बाय द वाटर साइड। वाटर साइड पे किसको कौन रहता था, तो वो रहता डक। सो सेकंड में आएगा सी DUCK डक। थर्ड द पप्स लव टू मेक। पप्स को पपीज को क्या बनाना पसंद था, तो उनको रो बनाना पसंद था, तो आएगा ROW रो। थर्ड में आएगा बी। फर्स्ट में ए, सेकंड में सी, थर्ड में बी यानी कि ACB। ओके सो आप टिक करते जाना। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी कि हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है वो सेड क्रॉक क्रॉक। क्रॉक क्रॉक कौन बोलता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि फ्रॉग क्रॉक क्रॉक बोलता है। सो उसका आंसर लिखेंगे A little green frog said croak croak. A little green frog said croak croak. Okay. Then second question है वो है Where did the duck live? Duck कहाँ रहता है, तो वो एक water side पे रहता है, तो उसका आंसर लिखेंगे A duck lived in the water side यानी कि a duck lived in the water side. वो water side पे रहता है। Then third है वो है question वो लिव्ड इन अ स्टाई। स्टाई में कौन रहता है, तो वो एक छोटा सा पिग रहता है। सो इसका आंसर लिखेंगे अ लिटल पिग PIG पिग लिव्ड इन अ स्टाई। अ लिटल पिग लिव्ड इन अ स्टाई। फर्स्ट था वो था क्रॉक क्रॉक कौन बोलता है, तो उसका आंसर में आएगा लिटल ग्रीन फ्रॉग। सेकंड था वो था डक कहाँ रहता है, तो डक वाटर साइड पे रहता है। एंड थर्ड था वो स्टाई में कौन रहता है, तो स्टाई में पिग रहता है। ओके उसके बाद में लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए हमें थोड़ी सी एक्टिविटीज दी हुई है। उसमें फर्स्ट एक्टिविटी है वो है कंप्लीट द क्वेश्चंस विद द वर्ड्स इन अ बॉक्स। कंप्लीट ये बॉक्स जो पूरा दिया हुआ है क्लू बॉक्स, उसमें से हमें वर्ड्स देख के ये जो पूरे क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट था वो था ब्लैंक इज योर नेम। आपका नेम क्या है हमें ऐसा पूछना, तो हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज योर नेम। सो इज योर नेम यहाँ पे दिया हुआ है, तो आगे आएगा व्हाट WHAT व्हाट। सेकंड है वो है ब्लैंक ओल्ड आर यू। आप कितने ईयर्स के हो, तो हम पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू। सो उसमें लिखेंगे हाउ HOW। देन थर्ड है ब्लैंक डू यू प्ले। आप कब खेलते हो हमें ऐसा पूछना, तो हम पूछेंगे व्हेन डू यू प्ले। सो आएगा थर्ड में व्हेन WHEN। फोर्थ वाला है ब्लैंक डू यू लाइव। आप कहाँ रहते हो हमें ऐसा पूछना है, तो हम पूछेंगे वेयर डू यू लाइव। सो उसमें आएगा वेयर WHERE। फर्स्ट में आएगा व्हाट, सेकंड में आएगा हाउ, थर्ड में आएगा व्हेन एंड फोर्थ में आएगा वेयर। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कैसे कहाँ क्या आता है। सो इसके लिए आपको ग्रामर में एक लेसन आता है, लेसन नंबर 18 सेंटेंसेस, उसमें बताया गया है क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में, वहाँ बात की है। सो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि कहाँ कौन सा वर्ड कैसे यूज होता है। ओके, देन उसके बाद एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट वर्ड, यानी कि हमें करेक्ट वर्ड्स को चूज करना है। उसमें फर्स्ट है वी डिड नॉट शूट या शाउट इन द क्लास, हमें क्लास में क्या नहीं करना चाहिए, शाउट। तो उसमें आएगा करेक्ट है वो है SHOUT, शाउट, SHOUT। SHOOT तो शूट, यानी कि किसी को शूट करना, उसको होता है शूट, उसका मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ आएगा शाउट, तो SHOUT, उसको टिक करना है। देन सेकंड है डू यू लाइक टू ड्रिंक वॉटर या वॉटर, तो उसमें आएगा वॉटर, WATER, वॉटर। ये सेकंड वाला जो है वॉटर, WOTER, वो तो होता है वॉटर, यानी कि हम जब इलेक्शंस होते हैं तो हम वोट करते हैं तो उसको वॉटर कहा जाता है, WOTER। सो इसमें आएगा WATER, डू यू लाइक टू ड्रिंक वॉटर, आपको वॉटर पीना अच्छा लगता है। देन थर्ड है ही ट्राइड और टायर्ड टू क्लाइंब द ट्री, सो उसमें आएगा ट्राइड, TRIED, ट्राइड, उसको टिक करना है। उसके अलावा जो है टायर्ड, TIRED, यानी कि टायर्ड, थक जाना। ओके, देन फोर्थ है विल यू प्लीज या प्लीज हेल्प मी, उसमें आएगा प्लीज, ये तो आप सबको पता ही है, PLEASE, प्लीज। ओके, देन उसके बाद है फिफ्थ वाला आई कैन सी विथ माई आईज, सो आई कैन सी, SEE, वो आएगा SEA, वो तो ओशन को हम सी कहते हैं, वो वाला सी है। उसके बाद है एक्टिविटी में मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि हमें जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं उसको यूज करके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। इसके लिए आपको जो आपका लेसन है ग्रामर का, एम इज आर और हैव हैज और हैड, इसका जो लेसन है वो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। ओके, सो इसके लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी आगे की। ओके, चलो आपको ग्रामर की बुक में से ये भी मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद है राइट 5 लाइन्स ऑन माई पेट, यानी कि हमें हमारे पेट के ऊपर 5 लाइन्स बोलनी है, 5 लाइन्स लिखनी है। ओके, सो वो कैसा है, आपका पेट कब आपने लिया था, वो कैसा है, वो क्यूट है, आपको उससे कैसे खेलते हो, वो एज अ फूड क्या लेता है, वो कब सोता है, कैसे खेलता है, वो सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। ओके, कोई भी 5 to 6 लाइन आप अपने पेट के बारे में लिख सकते हो। ओके, उसके बाद है लेट्स टॉक। ओके, एनरिचमेंट एक्टिविटीज है, उसमें एक्टिविटी है वो है सीमा टॉक्स अ लॉट, यानी कि सीमा बहुत सारी बातें करती है। एंड हर ब्रदर कॉल्स हर टॉकेटिव, और उसका ब्रदर है उसको टॉकेटिव कहता है, यानी कि जो बहुत सारी बातें करता है उसको टॉकेटिव कहा जाता है। डू यू थिंक सीमा शुड टॉक, आपको लगता है सीमा को बातें करनी चाहिए। आंसर यस और नो, आपको यस और नो में बातें आंसर्स देने हैं। ओके, उसमें फर्स्ट है व्हेन द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, ओके, जब टीचर क्लास में टीच कराती है या लर्न कराती है, पढ़ाती है, तब उसको सीमा को बातें करनी चाहिए। सो नहीं, वो एक बैड मैनर है। सो उसमें आएगा नो, NO। ओके, सेकंड है ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में हम बातें कर सकते हैं, जितनी बातें करनी है उतनी कर सकते हैं, तो वहाँ आएगा यस, YES। थर्ड है वो है व्हाइल शी इज ईटिंग, जब वो अपना लंच या डिनर लेती है, जब वो खाती है तब बातें नहीं करनी चाहिए। ओके, सो नो, NO। थर्ड है व्हेन मदर आस्क्स हर अबाउट व्हाट हैपन इन स्कूल, जब मदर वो सब स्कूल से रिटर्न होती है, स्कूल से घर आती है, तब उसकी मदर उसे पूछती है कि आज स्कूल में क्या हुआ, तब उसको उनको बताना चाहिए, तो वो आएगा यस। ओके, चलो फर्स्ट में आएगा नो, सेकंड में यस, थर्ड में नो एंड फोर्थ में यस। ओके, उसके बाद है लेट्स कॉपी एंड राइट, यानी कि हमें इसमें यहाँ जो दिया हुआ है ना उसमें से देख के यहाँ कॉपी लगाना है, लेकिन कॉपी भी लगानी आनी चाहिए। ओके, उसमें है कॉपी ईच क्वेश्चन एंड देन चूज द राइट आंसर फ्रॉम द बॉक्स वन हैज बीन डन फॉर यू, हमें ये बॉक्स में से चूज करके कॉपी करना है और एक हमारे लिए यहाँ पे किया हुआ है। ओके, उसमें फर्स्ट है वो है इज द मैन टॉल और शॉर्ट, ये मैन टॉल है या शॉर्ट है, तो हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो टॉल है। ओके, सो उसका आंसर रहेगा ही इज टॉल। ओके, सो वहां आपको लिखना है ही इज टॉल। उसके लिए हमें क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं नीचे 1 2 3 4 5 6 और उसके आंसर्स हमें ये बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके, सेकंड है तो वो लिखेंगे इज द वुमेन टॉल और शॉर्ट। वुमेन टॉल है या शॉर्ट है, तो हमें पिक्चर में साफ दिखाई दे रहा है कि वो वुमेन शॉर्ट है, तो उसका आंसर लिखेंगे शी इज शॉर्ट, SHORT शॉर्ट। ओके, सो दो हो गए, बाकी के 4 बाकी है। उसमें एक एलिफेंट और एक माउस का है, एक ट्री और एक हाउस के लिए है। सो उसमें थर्ड में लिखेंगे इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल। क्वेश्चंस हम यहाँ से देख के लिख रहे हो। ओके, इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल हमें यहाँ दिया हुआ है, सिर्फ हमें ऊपर का ये जो दिया हुआ है उसमें से देख के आंसर्स देखने के लिखने हैं। ओके, सो उसमें आएगा इट इज बिग, यानी कि एलिफेंट है वो है बिग है। इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल, तो उसका आंसर आएगा इट इज बिग। देन फोर्थ है इज द माउस बिग और स्मॉल। माउस है वो है बिग है या स्मॉल है, सो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो स्मॉल है, तो उसका लिखेंगे इट इज स्मॉल, SMALL स्मॉल। ओके, देन फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, वहां से लिखेंगे इज द ट्री ग्रीन और रेड। ट्री कैसी है, ग्रीन है या रेड है, तो वो तो हम सबको पता है कि ट्री ग्रीन होते हैं, तो उसका आंसर लिखेंगे इट इज ग्रीन, इट इज ग्रीन। एंड लास्ट वाला है वो है इज द हाउस ग्रीन और रेड। तो हाउस कैसा है, ग्रीन है या रेड है, तो हमें यहाँ साफ तौर पे नहीं पता चल रहा है, लेकिन हम बता तो सकते हैं कि वो रेड है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑप्शंस में सिर्फ एक ही बचता है, जो 6th है उसमें से एक ही बचा है कि इट इज रेड, तो हम वो उसका आंसर देंगे रेड। तो उसमें लिखेंगे इट इज रेड, RED रेड। ओके, फर्स्ट में हमने एक मैन के बारे में बात की और देन एक वुमेन के बारे में बात की, तो मैन है वो टॉल है, वुमेन है वो शॉर्ट है। देन हमने एक एलिफेंट के बारे में बात की और एक माउस के बारे में बात की। एलिफेंट है वो है बिग है एंड माउस है वो स्मॉल है। देन एक ट्री और एक हाउस के बारे में बात की, उनके कलर्स के बारे में बात की, तो ट्री है वो ग्रीन है एंड हाउस है वो रेड है। ओके, सो यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 10 स्ट्रेंज टॉक है उसकी एक वर्कबुक एक्टिविटीज खत्म होती है। ओके, थैंक यू सो मच।